चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करवाने की मांग पर अनशन पर बैठी एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अस्पताल में भी अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। तो वहीं धरनास्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्रों की आहूति देकर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। 25 और 26 फरवरी को आयोजित होनी है मुख्य परीक्षा। तो एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी है जिसे अस्पताल में लाया गया है, लेकिन उसने अस्पताल में भी धरने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं वहां पर छात्रा और ललित, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है और अब तबीयत भी बिगड़ी है, अस्पताल ले जाया गया लेकिन चेतावनी अभी भी अनशन जारी रखने की, कैसी तबीयत है और इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि जो महिला अभ्यर्थी, कल से 6 अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन की शुरुआत की है जिसमें 3 महिला अभ्यर्थी हैं। आज एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अस्पताल में भी अभ्यर्थी ने अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। तो वहीं अभी अस्पताल में जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि छात्रा की तबीयत खराब बताई जा रही है, उसकी बार बार बेहोशी की स्थिति बनी आ रही है। इसके साथ ही आज धरने पर बैठे हुए बेरोजगारों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ही सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जिसमें प्रवेश पत्र, क्योंकि आरपीएससी की ओर से कल ही मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए गए, ऐसे में प्रवेश पत्रों की आहुति देकर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। तो इसके साथ ही अभ्यर्थी ने यह भी चेतावनी दी है कि जब तक मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि मुख्य परीक्षा में अब महज 7 दिन का समय बचा है, ऐसे में अब परीक्षार्थियों ने अपने आंदोलन को और भी तेज करने की चेतावनी दे डाली है। चलिए शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। लेटर आप लेटर हो।